मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। गंगा इंफ्रास्टिटी में निवेशकों को झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर एसएसबी को दिया ज्ञापन। आपको बता चलेगा उत्तर प्रदेश जिला बरेली में राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने एसएसबी ऑफिस पहुंचकर महानगर अध्यक्ष सुदेश गुप्ता के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि कुछ समय पहले श्री गंगा इंफ्रास्टिटी प्राइवेट लिमिटेड में धन निवेश करता है, जो कि अभियुक्त राजेश कुमार मौर्य अपनी कंपनी को बंद कर 7 जुलाई को फरार हो गया था, जिसको लेकर थाना वारदरी में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने के बिना कोई जांच पड़ताल के कई बेगुनाह लोगों को मुलजिम बनाकर फंसाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने एसएसपी से ज्ञापन देकर मांग की इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करवा कर दोषियों के खिलाफ उचित जाँच की जाए एवं निवेशकों को न फंसा कर दोषी पर कठोर कार्रवाई की जाए। राजेश मौर्य को बंद कर दिया गया, उसके बाद जिन लोगों ने पैसा अपना लगाया और एफआईआर कराई तो पुलिस उनका पैसा तो ना दिलवा कर बल्कि उनके खिलाफ भी जो है। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार गुप्ता। क्या मामला है? राजेश मौर्य जो गंगा इंफ्रा कंपनी के डायरेक्टर थे और बरेली में कंपनी चला रहे थे, कुछ समय बाद जो है साल डेढ़ साल पहले वो भाग गई कंपनी, लोगों का करोड़ों अरबों रुपये जो है इसमें इन्वेस्ट था और जिन लोगों ने पैसा लगाया सरकार यहाँ बरेली में हम लोगों ने मांग की कि राजेश मौर्य को गिरफ्तार किया जाए, तो उसको गिरफ्तार किया और हम लोगों के पैसे दिलवाए हैं, तो पैसे तो नहीं मिल रहे हैं और जिन लोगों ने कार्रवाई की एफआईआर कराई उन्हीं के खिलाफ जो है प्रशासन द्वारा जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो हम लोग अपना तो पैसा मांगना भूल गए और अपने जमानत के उसमें लग गए, तो हमारा ये कहना है कप्तान साहब से कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, जो इसमें दोषी हैं जो इसको संचालन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन लोगों का पैसा अपना लगा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ये थाना बारदरी का मामला है, कप्तान साहब ने ये कहा है कि मुझे 10 दिन का जो है समय दीजिए। कंपनी ये पीली बाईपास रोड ग्रीनिंग पार्क के पास, तो कप्तान साहब ने कहा 10 दिन का आप समय दीजिए, मैं इसकी पूरी जानकारी ले लूँ और सबके साथ इंसाफ होगा, कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।